नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं आपके साथ विनय अग्निहोत्री। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंडियन रेलवे के रिटायर कुछ अधिकारी। इन्होंने निर्धन विद्यार्थी उत्थान सामाजिक सेवा समिति बनाई। यहाँ से करीब 600 ज्यादा बच्चों को इन्होंने हाई एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड कराई है। आइए चलते हैं, इसे बात करते हैं। उत्थान सामाजिक सेवा समिति बनाई है, आपने कब बनाई और इसके पीछे बनाने का सर क्या उद्देश्य था? हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है इस समिति को बनाने का कि हम अपने समाज के बच्चों को या जो परेशानियां हमने अपने जीवन काल में देखी हैं वो हम अपने नई पीढ़ी के समाज के बच्चों को वो परेशानियां ना देखना पड़ें, और ये एक सिर्फ हमारा उद्देश्य है। और हमने इस विचार को लाने के लिए हम सब लोग जबलपुर में कार्यरत थे, वहाँ कई दौर की बैठकें की और सोचा कि भाई हम ऐसा क्या करें कि हम समाज के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें। तो विचार आया कि क्या किया जाए और कैसे किया जाए। तो विचार आया कि हम जो बच्चे मेधावी हैं, पढ़ने लिखने में अच्छे हैं और आगे की पढ़ाई करना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो आगे नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को हमने तय किया कि हम ऐसे बच्चों के भविष्य की पढ़ाई करने के लिए हम उनकी मदद करेंगे। अब मदद कैसे करें, तो फिर इसके लिए विचार आया कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो हम लोगों ने ये निर्धन विद्यार्थी उत्थान सामाजिक सेवा समिति का निर्माण किया, एक समिति बनाई। उस समय हमारे रामदास जी आर इनके नेतृत्व में, इनकी अध्यक्षता में हमने वो समिति बनाई। और सर्वप्रथम हमने समिति का रजिस्ट्रेशन कराया 2 अप्रैल 2012 में, और इसके बाद हमने समाज के लोगों से संपर्क शुरू किया। लोगों ने हमें मदद की और शुरू में हमने छोटी क्लास के बच्चों से, क्योंकि फंड हमारे पास उस समय नहीं था, हमने पहले तो अपने ही खर्चे से कोशिश की इसको आगे बढ़ाने की। तो हमने जो छोटी क्लास के चौथी पाँचवीं छठवीं के क्लास के बच्चे थे, इनको बैग्स, पेंसिल, किताब, कॉपी ये सब देने का काम किया है। 2-1 साल ऐसे चलता रहा। फिर हमने बड़ी क्लास के बच्चों को 7वीं 8वीं 10वीं तक के बच्चों को लिया है, और इस तरह से हमारा सिलसिला जी आगे चलता रहा। समिति ने फिर आगे बढ़कर ये 12A का सर्टिफिकेट आयकर विभाग से लिया है, 80G का सर्टिफिकेट भी लिया है। 80G में क्या, जो दानदाता हमें दान करते हैं समिति को, उसमें 50% की रिबेट मिलती है उनको, तो लोग उनका दान भी हो जाता है और समाज के बच्चों की मदद भी हो जाती है, उनको रिबेट भी मिल जाती है। तो इस तरह से, और CSR फंड में भी हमने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, नीति आयोग में भी हमने अपने समिति का रजिस्ट्रेशन कराया है। और इस समय जहाँ हमने छोटी क्लास से बच्चों को शुरू किया था, आज स्थिति ये है कि हम मेडिकल के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, ग्रेजुएशन में भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और 12th 10th में भी हैं। तो इस तरह से हम ये काम कर रहे हैं अभी। और हमारा ये सिर्फ ये की है कि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, और जो बच्चे कमज़ोर, मतलब आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है, जो पढ़ना तो चाहते हैं, बस हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम उनको मदद करें। सर, अगर मैं बात करूं कि आपके यहाँ कहाँ कहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं और आपकी जो समिति है निर्धन विद्यार्थी उत्थान सामाजिक सेवा, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? आप लोग किस प्रक्रिया से बच्चों को चयनित करते हैं और उनको जो है आप फंड डोनेट करते हैं? हम लोग, चयन प्रक्रिया हमारी ऐसी है कि हमने अपना समिति की बैठकों में तय किया है। पहले तो हम छोटी क्लास के बच्चों को लेते थे जब हमारे पास फंड काफ़ी कम था। आज हमारी स्थिति फंड में थोड़ी सी साउंड है, अच्छी स्थिति है, तो हम लोग तय किया है कि 80% बच्चे जिनके मार्क्स हैं 10th 12th में, उन बच्चों को हम लेते हैं। ऑनलाइन भी हमारी वेबसाइट पे है फॉर्म, तो वो फॉर्म भर के हमें देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट भी देते हैं, और उस फॉर्म प्राप्त होने पर हम उनका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन इस बात का करते हैं कि वास्तव में वो इस मदद के लिए हकदार हैं या नहीं।
ऐसा तो नहीं कि हम जिनको मदद कर रहे हैं वो मदद के ना काबिल हों और हम उनको मदद करें। तो हम घर घर जाकर, एक आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, हम सब लोग जाते हैं, और ऐसे बच्चों को वेरिफिकेशन करके, उनकी आर्थिक स्थिति का आंकलन करके, और जो डॉक्यूमेंट्स हम मांगते हैं वो सारे उसमें हैं कि नहीं, इस तरह से हम उनका चयन करते हैं। बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं सर, एक क्वेश्चन ये? हमारा लेवल जो है ऑल इंडिया लेवल है, बच्चे हमारे पूरे ऑल इंडिया से भी आते हैं, रतलाम से भी आते हैं, सागर से भी आते हैं, झांसी से भी आते हैं, जयपुर से भी आते हैं, मतलब सभी जगह से आते हैं। हाँ, सभी जगह से। सर मैं बात करूं कि जैसे कि आपने बताया कि 2012 में आपने यह है आपने समिति का गठन किया, अभी तक कितने बच्चों को आप लोगों ने शिक्षित कर दिया होगा, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो किसी अच्छी जॉब प्रोफाइल या फिर सेक्टर में काम कर रहे हैं? अभी तक तो हमारे संस्था द्वारा पढ़ाए गए बच्चे में से सिर्फ एक बच्चा है, इटारसी का था, दुर्गेश बेन नाम है उसका, वो उसको हमने डिप्लोमा कराया पॉलिटेक्निक का, तो आज वो वहाँ पुणे में वो जॉब कर रहा है। अभी एक बच्चा हमारा जॉब में आया है, बाकी अभी बच्चे हमारे तीन बच्चे डॉक्टरी कर रहे हैं, एक बच्चा डॉक्टर यहाँ जालौन मेडिकल कॉलेज में है, एक बच्चा खंडवा मेडिकल कॉलेज में है, एक बच्ची यहाँ अजमेर मेडिकल कॉलेज में है, ये तीन बच्चे हमारे मेडिकल में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, नीट में भी बच्चे हम लोग उनको पढ़ा रहे हैं, ग्रेजुएशन भी में भी हैं, और इस तरह से हम लोग उनको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। लगभग 650-650 के आसपास हमारे बच्चे जिनको हम अब तक मदद कर चुके हैं। सर अगर मैं बात करूं कि इस समिति चलाने के लिए एक तो फंड भी लगता होगा, तो सर आप लोगों को फंड कहां कहां से आता है, या फिर गवर्नमेंट से किसी प्रकार की सहायता मिलती है, या फिर जो गवर्नमेंट से? तो अभी तक हमें कोई सहायता नहीं मिली, हालांकि हमने उसके लिए प्रयास किए हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट से नहीं मिली, लेकिन हाँ हमारे समाज के लोग, और हमें CRS फंड से भी हमें पिछले साल 2 साल से मिला है पैसा, जिससे हमें काफ़ी उसमें मदद मिली है, तो उस तरह से हम बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं बात करूं कि आप जो है सिविल सर्विस भी बच्चों को कराते हैं, जिसको अगर PSC या फिर UPSC वगैरह करने हैं, कुछ ऐसे जो है परीक्षाओं की तैयारी? हमने बच्चों को तो बोला है कि आप जो पढ़ना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, PCS करना चाहते हैं, आप करें, हम आपकी मदद करेंगे। तो एक बच्ची हमारे पास आई थी जो IAS के लिए, हमने उसकी काउंसलिंग की थी, तो वो बोली मैं IAS करना बनना चाहती हूँ, उनका बहुत बढ़िया है, हमने उसको एडमिशन कराया, फिर मालूम नहीं किस कारण से कुछ उसकी परिस्थितियाँ हैं, वो फिर उसमें वापस आ गई है। तो हम लोग तो हर तरह के शिक्षा के लिए अपना प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि हायर एजुकेशन से हायर एजुकेशन हम उनको दिला सकें। आप केवल जो बच्चे जो पढ़ सके, आपने बताया UPSC के बताया, आपने मेडिकल के बारे में बताया, क्या आप जो है कॉलेज की केवल फ़ीस देते हैं, या फिर उनके रहने खाने का भी, उसका भी आप फीस पे करते हैं उनको? अभी तो हम रहने खाने का तो नहीं कर रहे हैं, फीस हम देते हैं पूरी, जो साल भर की फीस उनको लगती है वो सारी फीस से हम देते हैं। देखिए हम किसी को इंसिस्ट नहीं करते कि आप हमें इतना दान दो, हम अपनी पत्रिका जो हमारी है हम उसको देते हैं, और उनसे कहते हैं कि इसको आप देखिए पढ़िए, और इसमें अगर हमारी कार्यशैली विचार या जो हम काम कर रहे हैं ये अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमें मदद करें, ये हमारा उनसे निवेदन होता है। हमने कभी किसी को ये नहीं कहा कि इतना पैसा हमें आप दो, कभी नहीं कहा हमने, हम स्वेच्छा से जो हमें देता है हम वो पैसा लेते हैं। सर आप लोग जैसे कि रेलवे से जुड़े हुए हैं, आपके थ्रू आप लोगों ने काफ़ी अनुभव रहा आपका, क्या कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हों और आप लोगों को ज़्यादा ही अनुभव कि कैसे रेलवे की परीक्षा की तैयारी करें, इस बारे में अपनी कुछ? अभी इस तरह के बच्चे तो हमारे पास नहीं है, अभी तो हमारे पास केवल मेडिकल इंजीनियरिंग और इसी लाइन के बच्चे आ रहे हैं, अभी जो 12th और उसमें हैं 10th में हैं उनसे हम, जैसे एक बच्ची हमारे पास आई थी 12th में, उसका 95% था, उसको हमने बुला के काउंसलिंग की, पूछा कि बेटा क्या करना चाहते हो, तो उसने बोला कि नहीं हम ITI करना चाहते हैं, तो हम लोग उनका बेटा ITI तो कोई भी बच्चा कर सकता है, 10th के बाद 8th के बाद भी कर लेते हैं, आप तो 12th में आपके 90% हैं और आप ITI करना चाहते हो,
फिर उसको समझाया कि भाई आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं, इतनी अच्छे आप पढ़ने वाली हो, तो क्यों ना आगे कि इंजीनियरिंग में जाइए, मेडिकल में जाइए। तो फिर हम लोगों ने उनको बताया, तो फिर जाके फिर वो नीट की हमने उसे कोचिंग कराई थी, तो वो तैयार हुई उसके नीट के लिए। सर जो अधिकारी होते हैं वो हमको शिक्षा से दान करते हैं, वो हम स्वीकार करते हैं उनसे। सर एक मेरा प्रश्न एक और है कि जो आगे के आपके क्या प्लान्स हैं उत्थान सेवा सामाजिक समिति को लेकर, जो इस बारे में कुछ बताइए। अभी हमारा तो बच्चों के एजुकेशन के लिए पढ़ाने का ही प्लान है, इसके साथ साथ हम लोगों ने फ्यूचर में ये प्लान किया था कि हम नवोदय के कुछ में बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने अभी रानीपुर में एक कोचिंग भी की है और उन बच्चों को वहाँ अध्ययन करा रहे हैं। निकट भविष्य में हो सकता है वो बच्चे वहाँ से निकलेंगे और नवोदय में भी जाएंगे, इससे इस बच्चों को लाभ होगा। और आगे कोचिंग की हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, किसी भी स्टेज पे हम बच्चों को पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। हमारे दोनों सेंटर जो भोपाल में और रानीपुर में जो सेंटर चल रहे हैं उनका टाइमिंग हमने 2 बजे से 7 बजे तक का रखा हुआ है, क्योंकि सुबह बच्चा स्कूल जाता है, 1 बजे तक अपना स्कूल से आ जाता है, आने के बाद में फ्रेश होकर के खाना खा के फिर हमारा 2 बजे से 3 बजे तक, 3 से 4 एक एक घंटे का एक बैच रहता है, जिसमें हमारे 8 सिस्टम लगे हुए हैं रानीपुर में और 6 लगे हुए हैं यहाँ पर। तो 8-9 बच्चे हमारे एक टाइम मतलब फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में, इस तरीके से लगभग अभी 40 के लगभग हमारे बच्चे अभी वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, और उनसे पूरा निःशुल्क और उनको हर चीज़ की जानकारी दी जाती है, टाइपिंग वर्क से लेकर के और टैली तक, जो भी बीच में जितने भी पैरामीटर्स हैं उनका सबका ज्ञान उनको दिया जाता है। अगर बाय द वे वो 3 महीने में नहीं सीख पाता है, उनको हम एक 3 महीने का एक सर्टिफिकेट भी देते हैं जो सरकारी तौर पर वो मान होता है। स्पोर्ट्स के लिए भी आप बच्चों को कुछ हेल्प करते हैं? स्पोर्ट्स नहीं, अभी ऐसा प्रावधान नहीं किया है हम लोगों ने स्पोर्ट्स के बारे में। अभी हमारा जितना भी फोकस है वो शिक्षा के क्षेत्र में ही फोकस है, और बच्चे से यही हम लोग आशा रखते हैं कि उसको शिक्षा जितनी लेना है वो उतनी शिक्षा ले, और पूरी फीस का हम इंतज़ाम उसका करेंगे। ऐसा हम उनके गार्जियन को भी उनकी काउंसलिंग करते हैं, हर 3 महीने में हम लोग बच्चों की काउंसलिंग करते हैं एज ए गार्जियन। जैसा बच्चे को उनके माँ बाप बताते हैं कि ऐसे पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, जो भी नई चीज़ें हम लोगों को प्राप्त होती हैं वो भी हमारे ग्रुप से जब बच्चे जुड़े हुए हैं उन बच्चों तक हम वो शेयर करते हैं।